तो गाइस अगर आप अपना डाटा सिक्योर करना चाहते हो, जो भी आपके मोबाइल में वीडियोस है, फोटो है, डाटा है, या फिर किसी का चैट है, लिंक है, कुछ भी है, और आप उसे सिक्योर रखना चाहते हैं, यानी कि उसे आपके अलावा कोई भी और दूसरा नहीं देखना चाहता है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेके आया जिसके थ्रू आप ये सारा डाटा फ्री में सिक्योर रख सकते हैं, जो कि यार आपको 20 GB के आसपास का डाटा मिलने वाला है, और इसके अंदर आप ये डाटा बिल्कुल अपना सिक्योर रखोगे तो आपको किसी को दूसरे को पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये सारे डाटा इसमें यहाँ पर सिक्योर रख रखे, चाहे आपका मोबाइल उसमें डिलीट हो जाए, खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये डाटा इसके अंदर सिक्योर रहेगा, और जो भी आपने डाटा इसके अंदर डाला होगा वो सारा यहाँ पर सिक्योर रहेगा। आप किसी भी दूसरे मोबाइल में यहाँ पर अपने आईडी ओपन करोगे तो सारे फोटोज वीडियो आपके सामने शो हो जाएंगे, जो जो आपने यहाँ पर अपलोड किए थे, जो आपने अपलोड किया था, वो सारे डाटा यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे। तो मैं आज इसी वीडियो में उसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कैसे आपको उसमें आईडी बनाना होगा, और इस एप्लीकेशन से आप कैसे अपने सारे डाटा को आप सिक्योर रख सकते हो। जो भी आप फोटोज मोबाइल से खींचोगे, जो भी आप वीडियोस अपने मोबाइल में, जो भी आपकी वीडियो होगी, सारी अपने आप ऑटोमेटिक उसके अंदर सिक्योर हो जाएगी, और उसमें आपका जो स्टोरेज है वो भी बच जाएगा, क्योंकि आपके मोबाइल का स्टोरेज कम है तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर 20 GB का आपको स्टोरेज दिया जाएगा जिसमें आप अपना डाटा सारा सिक्योर रख सकते हो, तो आपके मोबाइल में हैंग होने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ उस एप्लीकेशन का नाम, तो उस एप्लीकेशन का नाम है मेगा। तो मैं आपको मेगा के बारे में बताने वाला हूँ कैसे आप अपना डाटा सिक्योर रख सकते हैं मेगा के बारे में, ठीक है। तो चलिए मैं इसके लिए मैं चलना होगा मोबाइल स्क्रीन पर, ये अब मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं यहाँ प्ले स्टोर पर जाकर भी सर्च कर लेना मेगा, तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ जाकर मैं सारी प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर बने रहिए। तो मैंने यहाँ पर अपना मेगा एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अब हमें यहाँ पर आपके ईमेल आईडी और कुछ पासवर्ड डालकर हमें यहाँ से लॉगिन इन कर लेना होगा। क्रिएट न्यू अकाउंट पर आपको क्लिक कर इसके में लॉगिन इन करना होगा। लॉगिन इन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर सामने ये आएगा कि आपको 20% फ्री में लेना चाहिए, 20 GB डाटा मतलब फ्री में, मेरे हिसाब से 20% डाटा आप फ्री में ले लीजिए, क्योंकि 20% स्टोरेज जो आप 20 GB स्टोरेज है बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज होता है। तो हम इसी के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ही कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से हमको अपना डाटा को सिक्योर करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम कुछ फोटोज़ को या फिर कुछ वीडियोज़ को यहाँ पर अलाउ पर ऑप्शन कर यहाँ हम सारा कुछ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके सामने जो मैंने यहाँ पर कुछ फोटोज़ ऐड किए थे, ये वाले फोटो मेरे सामने आप लोग देख सकते हैं जो कि आ चुके, ये सारे फोटोज़ यहाँ पर सिक्योर हो चुके, इन फोटोज़ को कोई भी नहीं देख सकता मेरे अलावा, मतलब मेरा सारा डाटा यहाँ पर सिक्योर रहेगा, मेरे यहाँ से डाटा कोई भी हैक नहीं कर सकता। अब यहाँ से आप कैसे और डाटा इसमें ऐड करोगे, तो ऐड करने के लिए क्या होता है कि हमको यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना हो, यहाँ पर हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपनी चैट जो अभी आप व्हाट्सएप पे कहीं पर भी चैट करते हो, यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से आप अपनी चैट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर चैट पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको सब तरह की चैटिंग, आपको वीडियो कॉलिंग, फिर व्हाट्सअप चैट, इनवाइट कॉन्टैक्ट, यहाँ पर सारे कॉन्टैक्ट की यहाँ पर आप चैट लगा सकते हो, ठीक है। तो क्या आपकी सारी चैट यहाँ पर सिक्योर हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर प्लस को आइकन करते हैं, नीचे दिया अपलोडिंग का ऑप्शन, यहाँ पर हम अपलोड करने के लिए इस अपलोडिंग ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप क्या क्या अपलोड करना चाहते हैं, अपलोड फाइल, अपलोड फोल्डर, या स्क्रीन डाउनलोड, या कैप्चर, या स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ भी सभी तरह के यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप कैप्चर पर क्लिक करोगे तो यहाँ से जो भी आपका फोटोज वीडियोज आएंगे, ठीक है, यहाँ पर परमिशन मांगे, ये परमिशन आपको दे देना होगा। यहाँ से सारी वीडियोज आपको फोटो खींच के फिर आप उसे यहाँ पर एडिट कर सकते हो, वो भी यहाँ पर सिक्योर हो जाइए, और इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप सिक्योर रख सकते हो, जो कि यार बहुत आसान जरिया है। मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ कि ऑफलाइन, ज़्यादातर क्या करना चाहिए आपको, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको ऑफलाइन डालना चाहिए इसके अंदर, ताकि नेटवर्क नहीं होने की वजह टाइम पर भी आप उसे देख सकते हो। तो उसके लिए हम आपको 3 डॉट पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको देखो एक सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पर पूरे डिटेल में समझा रहा हूँ कि वो सेटिंग आपको क्या करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा माय अकाउंट में, ठीक है। माय अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते फ्री पर दिया हुआ, ठीक है, आपको मिला हुआ यहाँ पर देखो 25 GB फ्री स्टोरेज मिल चुका है मुझे यहाँ पर, आपको लाइव प्रूफ देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पूरी डाटा यहाँ पर दिया हुआ, कॉन्टैक्ट सब सारी चीज़ आप सही तरीके से यहाँ पर कर सकते हो, और 5 GB और आपको यहाँ पर फ्री मिलेगा अगर आप यहाँ से मोबाइल नंबर अपना ऐड कर लेते हो, तो यहाँ पर 5 GB और फ्री मिल जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 30 GB पूरा डाटा, यानी कि आप 30 GB डाटा सिक्योर रख सकते हो यहाँ से। तो चलिए मैं और आपको बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ से मैं आपको एक ही करके और भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फीचर्स ये भी सारी चीज़ें यहाँ पर जो जो आप यहाँ पर ऐड करोगे, सॉन्ग, डॉक्यूमेंट्स या वीडियोस, सारी चीज़ें यहाँ पर शो होने लगेगी, और जो चीज़ें आप यहाँ पर आप सर्च करोगे, जो यहाँ पर आपने डाला है वो सर्च करोगे, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा आप, तो यहाँ पे देखो इस तरह से फोटो आ चुके, तो आपको इस तरह से यहाँ पर सर्च करके वो सारी चीज़ें आपके सामने शो हो जाएगी,
और उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आप लोगों को यहाँ पर अपने इस ऐप पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी और प्रोसेस बता देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर अपना डाटा ऑफलाइन रखना होगा। तो यहाँ पर ऑफलाइन पर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ से हमको डाटा यहाँ पर ऐड करना होगा। ठीक, यहाँ पर एक क्लिक करेंगे और ये जो डाटा मेरे भी मैंने रोके हुए ये सारे मैं ऑफलाइन इसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑफलाइन डाल देंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑफलाइन हो आ जाएगी और ऑफलाइन आने के बाद हम इसे बिना नेटवर्क के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप और यहाँ पर फाइल पर क्लिक करके सारी फाइलें यहाँ पर शो हो जाएगी। इमेज पर क्लिक करोगे सारे फोटोज़ यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, चैट पर क्लिक करोगे जो भी आपने जो चैट दिए थे वो सारे चैट यहाँ पर शो होने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे तो जो भी आपके पास फाइल या फिर फॉलोवर फोल्डर्स है वो सारे आपको यहाँ शो हो गए। ठीक है, आप लिंक भी यहाँ पर रख सकते हो, किसी भी चीज़ का लिंक यहाँ पर आप सिक्योर रख सकते हो ताकि उसे कोई हैक नहीं कर सकता और उसे कोई भी ले जा नहीं सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से यहाँ पर अपना पूरा डाटा आप सिक्योर रख सकते हो। आपका जो भी स्टोरेज होगा वो आपके मोबाइल में कम हो जाएगा, सारा स्टोरेज यहाँ पर शो होने लगेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नए सब्सक्राइब करो।